तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शारिक तनवीर एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अनबॉक्स ज्ञान। तो दोस्तों, हम सब कोई जब भी एक न्यू स्मार्टफोन खरीदते हैं तो हम हमेशा प्रायोरिटी देते हैं तीन चार चीज़ को, दैट कैमरा का मेगापिक्सल कितना है और उसके बाद फिर उसमें कितना एमएएच का बैटरी है और क्या उसमें कितना कोर्स है। तो यार, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस सारा का सारा कन्फ्यूजन को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो दोस्तों, तीन चार चीज़ है जो कि हर कस्टमर अपने फ़ोन जब परचेस करने जाता है तो वो तीन चार चीज़ को वो कंसीडर करता है। तो यार प्लीज़, ये सब चीज़ को कंसीडर करना आप छोड़ दो, मैं आपको बता दूँ कि किस किस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए। तो यार, सबसे पहले हमेशा हर कोई क्या प्रेफर करता है कि इसका कैमरा में मेगापिक्सल काउंट कितना ज़्यादा है। तो यार, मेगापिक्सल काउंट को देखने का बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, तो यहाँ पर दिए हुए कार्ड पर प्लीज़ जाकर एक बार चेक कर लेना, आपको सारा का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि मेगापिक्सल काउंट से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या क्या नहीं पड़ता है। दूसरा चीज़ जो हम सब हमेशा कोई भी स्मार्टफोन या कोई भी चीज़ को परचेस करते हैं तो क्या हम उसके ऊपर नोटिस करते हैं, दैट उसमें कितना एमएएच की बैटरी है। तो दोस्तों, बैटरी कितने एमएएच की है ये देखने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसका प्रोसेसर क्या है। तो उसमें प्रोसेसर क्या है ये देखने से आप ये सोचोगे कि यार ये पागल हो गया है, क्या प्रोसेसर के बारे में बात कर रहा है, बैटरी बैकअप तो सिर्फ बैटरी का कैपेसिटी के थ्रू हर कोई मेजर करता है। तो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सबसे पहले अपना प्रोसेसर देखना होगा, बिकॉज बहुत सारे प्रोसेसर ऐसे होते हैं जो कि बैटरी इफ़िशियंट होते हैं। तो अगर आपका प्रोसेसर बैटरी इफ़िशियंट है तो आपका अगर बैटरी का कैपेसिटी मतलब एमएएच कम भी हुआ तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। और अगर मान कर चलो कि अगर आपका प्रोसेसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंजप्शन करने वाला है तो फिर क्या होगा कि आपका बैटरी का कैपेसिटी सपोज दैट 5 एमएएच का भी है, तब भी आपका फ़ोन का बैकअप उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो प्लीज़, बैटरी का एमएएच देखकर आप फ़ोन को डिसाइड मत करो कि वो बैटरी का बैकअप कितना देगा। बिकॉज बहुत सारे कंपनीज़ में आप ऐसा भी देख रहे होंगे बहुत सारे स्मार्टफोन्स में कि उसका 3000 एमएएच का बैटरी है, बट तब भी काफ़ी ज़्यादा हद तक वो बैटरी बैकअप देता है आपको। तीसरा चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप हमेशा स्मार्टफोन लेते हो तो यार उसका देखते हो कि कोर उसमें कितना है, बट यार कोर के ऊपर भी एकदम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। बिकॉज उसमें कितना भी कोर हो, मतलब वो हेक्सा कोर हो, ऑक्टा कोर हो, ड्यूअल कोर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आर्किटेक्चर बिल्ड करता है कोई भी स्मार्टफोन अपने प्रोसेसर का, तो उसमें वो जितना बड़ा बड़ा कोर डालेगा वो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कंफ्यूजन क्रिएट होता है हर किसी को। तो अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर में पूरा सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, या फिर ऊपर दिए हुए कार्ड में आप ज़रूर बताना दैट आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि नहीं, कि कोर्स क्या वैल्यू रखता है हमारे स्मार्टफोन में और हमारे प्रोसेसर पर। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए। कोई भी सलाह सुझाव यार तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर न्यू आ गए तो यार सब्सक्राइब करके ही जाना। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे और मौज उड़ाओ।